दीपाली हियर, वेलकम टू वाव कुक स्टूडियोज चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैरामल सॉस, और ये एक ऐसा सॉस है जो आप बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप ये सॉस चॉकलेट के सेंटर फिलिंग में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्रेड के साथ इसे एज स्प्रेड यूज़ कर सकते हो। ये सॉस आप केक के लेयरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, और ये इसे आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये एक परफेक्ट रेसिपी है जो आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सो इस रेसिपी के लिए हम जो शुगर यूज़ कर रहे हैं, ये नॉर्मल शुगर हम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप कैस्टर शुगर यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे आपको पाउडर शुगर नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले पैन में हम ऐड करेंगे नॉर्मल शुगर। ये 1 कप शुगर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसे हम इस तरीके से स्प्रेड करके लेंगे। एंड इस रेसिपी के लिए जब भी हम शुगर ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी इसे स्टर नहीं करना है, हमें इसे कैरमल और मेल्ट होने देना है। जैसे ये मेल्ट होने लगेगा वैसे धीरे धीरे इसमें कैरमलाइजेशन स्टार्ट होगा। अगर इस टाइम पे हम स्टरिंग करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन होने के बहुत चांसेस है, इसलिए शुगर जब भी हम पैन में ऐड करेंगे तभी इसको बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने जो पैन यूज़ किया है वो हैवी बॉटम पैन यूज़ किया है, और अगर आपके पास नॉर्मल वाला पैन है तो आपको स्लो फ्लेम पर काम करना है, और हम यहाँ पर इंडक्शन पर काम कर रहे हैं तो आप नॉर्मल गैस पर भी काम कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, और जो मेल्ट हो रहा है उसका कलर भी हल्का लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो और हम इसे बिल्कुल भी स्टर नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जो हमारा शुगर है वो 3/4 मेल्ट हो गया है, एंड इस टाइम पे हम इसे पूरा स्टर करके लेंगे एंड फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जो हीट है शुगर की वो बाकी बची हुई शुगर को भी मेल्ट करने वाली है, इसलिए अभी हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। परफेक्ट लाइट गोल्डन कलर आया हुआ है, सिर्फ हम स्टर करते रहेंगे, बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा शुगर है जो मेल्ट नहीं हुई है उसे इस हीट के अंदर मेल्ट करना है हमें। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो इसके कलर चेंज होने के चांसेस है, और शुगर बर्न होने के भी चांसेस है, तो एक हल्का कड़वापन आने के भी चांसेस हो सकते हैं इस वजह से। इसलिए 3/4 होने के बाद हम इसे स्टर करेंगे एंड ये इसके साथ मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शुगर जो है वो पूरा मेल्ट हो चुका है, एंड जो बटर अभी हम ऐड करेंगे ये फ्लेम ऑफ करके ऐड करेंगे। और एक चीज़, जब भी बटर आप ऐड करो तो वो हमेशा हॉट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर बटर यहाँ पे नहीं चलेगा। अदरवाइज शुगर का टेम्परेचर और बटर का टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा तो क्रिस्टल्स होंगे, तो इसलिए जब भी हम बटर ऐड करेंगे तो इट शुड बी हॉट। तो इस टाइम पर हम ऐड करेंगे बटर, इसे स्टर करके लेंगे। सो बटर यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। सो यहाँ पे अब हम ऐड करने वाले फ्रेश क्रीम, तो ये घर का अगर रहेगा तो भी चलेगा। जब भी फ्रेश क्रीम भी हम ऐड करें तो वो हॉट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे अच्छे से गर्म करके लेना है एंड उसके बाद ही हमें क्रीम के शुगर के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करने वाले हैं क्रीम को, एंड अब हम स्टर करेंगे इसे। फ्लेम को ऑन करके हमें इसे स्टर करना है, बी केयरफुल बिकॉज इसकी जो स्टीम है वो आपको लगने के चांसेस है। तो आराम से इसे स्टर करना है, एंड अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। परफेक्ट कलर एंड परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा कैरमल सॉस हो गया है रेडी। कैरमल सॉस है तो सी सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सम सी सॉल्ट, बिकॉज इससे हमारे कैरमल का टेस्ट जो है वो बहुत उठ के आएगा।
सो सी सॉल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक मेन इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं जो कि है वेनिला एसेंस। तो यहाँ पे एसेंस नहीं रहेगा तो हमारे कैरमल सॉस में मेन फ्लेवर नहीं आएगा। तो यस, वेनिला एसेंस ऐड किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को, सी सॉल्ट एंड एसेंस को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो सॉस है वो परफेक्ट रेडी हो गया है। एंड अब हम इसे करेंगे शिफ्ट इन अ जार। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो ऑफ कोर्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा और फेसबुक पे मुझे लाइक करना है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 1 to 2 months। आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ऑफ कोर्स इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने की वजह से ये थिक होने के चांसेस है, तो जब भी यूज़ करना है जस्ट माइक्रोवेव करके आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे हमारे क्यूट क्यूट बॉटल में कैरमल सॉस फिल करके जार रेडी है। आप इसके ऑर्डर्स भी ले सकते हो। तो ये होममेड डिलीशियस ऐसा कैरमल सॉस हमारा रेडी है। थैंक यू सो मच।